जीसस ने करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम किया जिसमें सबके लिए न्याय हो और जो समाज समावेशी हो, इंक्लूसिव। हमारे देश की विकास यात्रा में यही मूल्य एक गाइडिंग लाइट की तरह हमें रास्ता दिखा रहे हैं। दोस्तों, बाइबल में यशाया 53 की 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर तारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। दोस्तों, आज गुड फ्राइडे के दिन को उस दिन के रूप में याद किया जाता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, ताकि सारी मानव जाति बचाई जाए और पापों के कारण इंसान नाश ना हो। दोस्तों, एक संसारिक माता पिता कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे संघर्ष करें और उनसे अलग हो जाएं। वैसे ही हमें बनाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर भी, जो कि हम सबका पिता है, वह कभी भी नहीं चाहते कि उनके बनाए हुए इंसान उनसे अलग रहें। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को धरती पर मनुष्य रूप में भेजकर क्रूस पर उन्हें कुर्बान करके सबके पापों को उन पर डालकर सारी मानव जाति को बचाया। इसलिए आज जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर और उनके क्रूस पर दिए गए बलिदान पर विश्वास करता है, वह बचाया जाता है और पाप की गुलामी से आज़ाद किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आज गुड फ्राइडे वाले दिन हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भारतवासियों को प्रभु यीशु जी के बारे में क्या संदेश दिया, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि उनके सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर के अकाउंट से हमारे सामने आया है, जिससे अभी तक 1 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या संदेश दिया सभी भारतवासियों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु यीशु जी के बारे में। टुडे ऑन गुड फ्राइडे वी रिमेंबर द प्रोफाउंड सेक्रीफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मे एवरीवन फाइंड स्ट्रेंथ इन द लेसन्स ऑफ कंपैशन एंड फॉरगिवनेस इट टीचेस अस। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, आज गुड फ्राइडे के दिन हम यीशु मसीह के गहन बलिदान को याद करते हैं। यह हमें करुणा और क्षमा का जो पाठ सिखाता है उसमें हर किसी को शक्ति मिले। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।